हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ICICI बैंक का एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कहाँ ये सपोर्ट लेगा और कहाँ तक इसका जो है टारगेट रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा आप चार्ट पे देख रहे हैं, ICICI बैंक का मैंने ओपन किया है और वन डे का जो है टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये आज का जो कैंडल है उसका लो देखिए आप, लो आपको यहाँ पे जो है शो करेगा, इस पॉइंट पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज का जो लो है वो 675.75 है और प्रीवियस कल का जो लो है वो 675 है, यानी आज का लो और कल का लो ऑलमोस्ट सेम है, जबकि आज का जो लो है वो कल के लो से जस्ट ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और इसके पहले का जो है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये 7 मार्च का जो कैंडल है, तो इसमें आप लो देख सकते हैं 642.15 रुपये का है। और नेक्स्ट जो है 8 मार्च का 643 रुपये, यानी 643। तो आप ये देख सकते हैं सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो फ्रेंड्स, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसके बाद में एक और चीज़ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ की है। और फ्रेंड्स, ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है कैंडल कट कर रही है, फिर भी ट्रेंड लाइन बीच से जा रही है, इधर भी जो है कैंडल के बीच से जा रही है, तो ये कैसी ट्रेंड लाइन है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैंने कैंडल जो पैटर्न ले रखा है, इसको अगर लाइन में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जो है यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद में इसी लाइन पे यहाँ सपोर्ट लिया और एज इट इज़ यहाँ पे लिया, और उसके बाद में ये जो है इस तरफ जो है ऊपर की तरफ चली गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो मेरा व्यू है वो यही है कि ये जो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इधर आना चाहिए, 770 के आसपास, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आगे जो है लगभग 820 के आसपास जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। तो अभी आप अपना एनालिसिस करके इसमें जो है बाइंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मैं कोई स्टॉक बाई करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से आप लोगों से ये जो है थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न है मैंने आपको पहले भी एक बार जो है एक वीडियो में बताया था कि इसको ट्विजर बॉटम बोलते हैं, जब दोनों जो है लो सेम हो जाए तो ट्विजर बॉटम रहता है, बट ये नीचे की तरफ होगा तो ट्विजर बॉटम, और अगर ऊपर की तरफ आई सेम हो तो ट्विजर टॉप होता है, और ट्विजर टॉप का लो ब्रेक किया तो नीचे की तरफ आता है स्टॉक, और ट्विजर बॉटम का अगर आई ब्रेक किया तो उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है। तो ये ऑलमोस्ट ये देख सकते हैं ट्विजर बॉटम बन गया है, और जैसे ही आई ब्रेक होगा, अब आई देख सकते हैं आप इसका जो है 700 के आसपास है, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा स्टॉक। बट आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं क्योंकि अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इसको, और ये यहाँ से जो है स्टॉक ऊपर जाने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, 10 से 12% के रिटर्न, तो आपको यहाँ पे जो है 10 से 12% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। कोई भी स्टॉक लेने से पहले खुद एनालिसिस करना है और उसके बाद ही जो है आपको इसमें बाइंग करना है। एंड जैसा मैंने ये ट्विजर टॉप का भी एग्जाम्पल दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आई है 818.7 का है, उसके बाद में नेक्स्ट आई जो है 818.4 का है, जैसे ही ब्रेक हुआ आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यू नीचे आ रहा है स्टॉक। तो फ्रेंड्स, ये ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह कहीं पे भी ये यूज़ कर सकते हैं, बस टाइम फ्रेम का ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही, ऐसी काफ़ी अपडेट लेके आता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।